नमस्कार दोस्तों, देखो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा राजस्थान से उत्तरा का मौसम? तो राजस्थान में अगले 24 घंटों तक देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम बारिश है, क्षेत्रीय बारिश है, खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने मिलेगी। लेकिन लंबे दायरे में बारिश की गतिविधियाँ किसी भी जिले में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मेघगर्जन के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन तापमान 40 से 41 डिग्री आसपास रहेगा। आज देखा जाए तो काफ़ी जगह तापमान एक बार फिर से गिरावट आने की संभावना है। लेकिन आज दोपहर के बाद देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए लगभग मौसम काफ़ी जगहों पर आज दोपहर के बाद में घने बादलों की आवाज़ के बीच मौसम लगभग बारिश के साथ रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग आज दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर देखा जाए मेघ करने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और कुछ क्षेत्रों में देखा जाए मेघ करने के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना इन क्षेत्रों में बहुत कम है, लेकिन कहीं एक दुक्का जगहों पर है जो कहीं कहीं ओलावृष्टि की देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाए मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। और जैसलमेर है, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र लगभग बादलों के आवाज भी शुष्क रहेंगे। जैसलमेर के वह क्षेत्र सामान्य पोखर के आसपास क्षेत्र है, रामदेरा, छानदन, लाठी के आसपास क्षेत्र है, टेकरा के आसपास क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और बाकी इलाके हैं और जैसलमेर का रामगढ़, मोहनगढ़ के आसपास क्षेत्र है, वह लगभग बादलों की आवाज भी शुष्क रहने की संभावना है। और पोकरण के आसपास है, लमुआ के आसपास क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और बाड़मेर है, जैसलमेर की समय लगती है, वहाँ पर देखा जाए तो इक्का दुक्का जगहों पर कहीं कहीं बहुत सारी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर मौसम है जो कि बादलों की आवाज़ के बीच शुष्क रहेगा। और जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर की तीनों जिलों की सीमाएं लगती है, वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ काफ़ी जगह कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर है जो कि बारिश लगभग 15 से 20 मिनटों तक बारिश हो सकती है। और बाड़मेर है, बाड़मेर शहर के आसपास देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश, ज़्यादातर बाड़मेर, जालौर की सीमाएं लगती हैं, वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बाड़मेर के जो बाकासर हैं, धोरीमना और बालोतरा के आसपास सिंदरी हैं, और ज़्यादातर बाड़मेर के क्षेत्र जो जालौर के सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और बाकी जिलों में देखा जाए लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ, जोधपुर हैं, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ, लगभग इन क्षेत्रों में देखा जाए हर तहसील में काफ़ी जगहों पर बूंदाबांदी या मेघ गिरने के साथ बहुत सारी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं जो जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर के क्षेत्र में। और इन क्षेत्रों में देखा जाए दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भी देखा जाए मौसम लगभग बारिश का रहेगा। दोपहर के सुबह से देखा जाए तापमान काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालौड़ के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग मौसम आज दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हवाओं की गति लगभग समान ही रहेगी, लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए लगभग 4 और 5 मई तक देखा जाए बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। लेकिन आज देखा जाए 30 अप्रैल को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लगभग सभी जिलों में देखा जाए मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए लगभग मौसम देखा जाए सुबह से ही कुछ क्षेत्रों में देखा जाए हल्के बादल की आवाजाही बनी हुई है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग मौसम है जो कि बारिश का है। आज दोपहर के बाद सुबह से देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर धूप खिली हुई है, लेकिन दोपहर के बाद देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर घने बादल की आवाजाही के बीच बारिश है जो कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाज़ बनेगी और काफ़ी जगहों पर मेघ के नेक्स हल्की बारिश होने की संभावना है। और भरतपुर है, धौलपुर के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। और 1 मई को देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर के क्षेत्रों में देखा जाए तो 29 अप्रैल को रात्रि में 12-1 बजे तक देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधि जारी रही। आज सुबह से देखा जाए गंगानगर है, कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है।
लेकिन आज दोपहर के बाद में इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर देखा जाए घने बादल की आवाज़ बढ़ने की और काफ़ी जगहों पर मेघ करने के साथ कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तेज़ बारिश भी हो सकती है। कुछ गंगानगर क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ है, कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं और नागौर हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए आज दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर कुछ क्षेत्रों में देखा जाए मेघ करने के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो ऐसा रहेगा राजस्थान क्षेत्रों का अगले 24 घंटों तक का मौसम। तो आज के मौसम से इतना ही। जय हिंद।